देखो ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा फंडामेंटल सेट ऑफ डायमेंशनल फार्मूला नहीं हो सकता। देखो फंडामेंटल कौन होता, फंडामेंटल का क्या डिफिनेशन था, व्हाट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, डज नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, ठीक ना, हर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे को हम फंडामेंटल बोलते हैं। एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, सच क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल, डज नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर। जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, तो ये इन दूसरों का आपस में इनडिपेंडेंट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इंटर, तो ये फंडामेंटल हो सकते हैं, ठीक है। मास, टाइम एंड वेलोसिटी, मास टाइम एंड वेलोसिटी अगर तुम देखोगे तो वेलोसिटी मास और टाइम का तो आपस में कोई रिलेशन इनडिपेंडेंट है, तो लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू, तुम देखोगे तो वेलोसिटी अगर तुम देखोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें मास आया ही नहीं, समझ रहे ना। तो ये तीनों वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम, ये तीनों फंडामेंटल कभी नहीं हो सकते क्योंकि तीनों आपस में रिलेशन है। अगर यहाँ होता मास अपॉन टाइम, ठीक है ना, मास अपॉन टाइम, तो ये फंडामेंटल नहीं हो सकते, तो बी भी फंडामेंटल हो सकता है, ठीक है ना। और लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, अगर तुम वेलोसिटी को देखोगे तो वेलोसिटी तो लेंथ ही तो है, ऊपर लेंथ है और ये टाइम है, मतलब वेलोसिटी को, वेलोसिटी इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, या ये लेंथ वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड है या टाइम वेलोसिटी, तो ये फंडामेंटल कभी नहीं हो सकता, समझ रहे ना, तो ये फंडामेंटल कभी नहीं सकता। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जब एक ही है तो मैं उसको फंडामेंटल, तो मतलब बी ऑप्शन गलत है और डी भी गलत है, तो सी सही है। ये पूछा कौन सा नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।